कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। जनता की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरेंगे, आइए जनता से जान लेते हैं। ये बताइए, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं नकुलनाथ जी, क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? एक्चुअली कमलनाथ जी जो है उनके सुपुत्र है नकुलनाथ जी, तो कमलनाथ जी से अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी पीछे है नकुलनाथ जी। अगर कमलनाथ जी का पूरा पुराना 40 वर्षों का ब्यौरा देखा जाए तो कमलनाथ जी ने विकास कार्य की गति काफ़ी हद तक आगे ले गए कह नहीं सकते, बट डिपेंड ये करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, महागठबंधन का योग बनता है, तब कुछ कह सकते हैं। बाकी नकुलनाथ जी पूरी तरह सक्षम हुए ये मैं कह नहीं सकता अभी। बिल्कुल लगता है कि वो बिल्कुल नक्शे कदम पर चलेंगे कमलनाथ जी के, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने विकास किया हम भी आशा करते हैं कि नकुलनाथ जी भी करेंगे। जिम्मेदारी उठा पाएंगे वो, ये तो समय बताएगा। नकुलनाथ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मगर वो युवा होते हुए भी अपने शहर का विकास करेंगे ऐसा लगता है। और वह है बताते हैं कि पायलट भी हैं, उद्योगपति भी हैं, और अपने पिताजी कमलनाथ भी उनका सहयोग और उनके नाम के कारण भी उनका श्रेय जाता है। कमलनाथ जी ने जो विकास किया शायद नकुलनाथ जी ना कर पाए, इसलिए अब उम्मीद जो उनके करने के बाद ही पता लगेगा। कमलनाथ जी ने तो किया विकास, अब उनके लड़के करते हैं नहीं करते हैं ये आप और हम करने के बाद ही बता सकते हैं भाई जी। तो उम्मीदें तो कम है क्योंकि कमलनाथ तो ऐसा काम नहीं कर पाएगा। और फिर सेकेंड चीज़ ऐसा है कि जिसने कभी तो चुनाव पहले कभी नहीं लड़ा है उसको एकदम से लोकसभा सीट लड़ा रहे हो, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि आप जीत जाएगा करके? आप बताइए क्या लग रहा है? नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने के उसको कमलनाथ को लोग बाग चाहते हैं, उसके लड़के को नहीं चाहते। अच्छा, जो 40 साल से यहाँ कमलनाथ जी रहे हैं, राज किया है उन्होंने, सांसद थे जी, क्या आप उम्मीदों पर खरा उतरे हो? नहीं, अभी तो 15 सालों से उनने यहाँ पे छिंदवाड़े का डेवलपमेंट कराया है। डेवलपमेंट में ऐसा है कि जब BJP की गवर्नमेंट रही है जब उनने डेवलपमेंट कराया है, उसके पहले का 35 साल कहाँ गया? 35 सालों से उसने कुछ नहीं किया था, अब 15 सालों में किया है। अब CM तो है, अब देखो उम्मीद क्या है, अभी जिसने जो वादे करे उसको पूरा नहीं करे अभी उनने भाई। ये पैतृकता के आधार पर उनको जिले में उतारा गया है, अब धीरे धीरे अनुभवी तो हो जाएंगे क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति आदरणीय CM के पुत्र हैं, इसलिए मैं उम्मीद रखूंगा CM साहब को भी, उनके पुत्रों को भी, उनके पिता जैसे वो खड़े उतरे जिले में, अच्छी बात है, स्वागत है। संभव है कि वो छिंदवाड़ा के जो भी मुद्दे हैं वो उठाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह उनके पिताजी ने किए हैं कमलनाथ जी ने, वो भी हर संभव प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं आप पिता के बल पर? ये सच्चाई है कि उनके पिता के बल पे ही उनको टिकट मिली है और लगातार वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। यहाँ पे तो कमलनाथ जी का एरिया ही है और यहाँ पे शायद हो सकता है कि उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रह चुका है बहुत 30-35 सालों से, तो हो सकता है उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। क्या मुद्दे हैं? हम लोगों के मुद्दे तो बेसिकली बेरोजगारी चाहिए, हम लोगों के लिए कोई जॉब वगैरह MP में आ नहीं रही, अभी शिवराज जी की सरकार थी, अब देखो ये नई सरकार से कुछ एक्सपेक्टेशन है हम लोगों की, अब देखते हैं कब तक हो सकता है कांग्रेस की सरकार में। क्या आप सर विकास करेंगे नकुलनाथ जी? बहुत जैसे कमलनाथ जी ने किए हैं उसी अनुसार नकुलनाथ जी से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? हाँ बिल्कुल, नकुलनाथ जी करेंगे हमारे लिए। नकुलनाथ जी भी युवा है, हम भी युवा हैं, तो हम चाहते हैं कि नकुलनाथ जी हमारे युवाओं की भावनाओं को समझेंगे, बेरोजगारी जो बढ़ रही है तो युवाओं के लिए भी कुछ कुछ नया कदम उठाएंगे। बेशक खरा उतरेंगे क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो हम स्वाभाविक सी बात है कि वो बेशक अच्छा करेंगे छिंदवाड़ा के लिए और पूरे ज़िले के लिए। अब जिस टाइप से कमलनाथ जी का यहाँ पर सहयोग रहा है इतने वर्षों से छिंदवाड़ा ज़िले के लिए, तो वैसा आगे चल के ऐसा प्रतीत होता है कि नकुलनाथ जी भी ऐसा सहयोग करेंगे आगे युवा पीढ़ी के लिए। तो क्या उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, अभी तो इसमें कहना असंभव है कि यहाँ की एक परंपरा राजनीति बनी हुई है। माननीय कमलनाथ जी 45 साल हो गया और 45 सालों में उन्हें हाँ काफ़ी काम भी किया, मगर अभी उतना अनुभवी नकुलनाथ नहीं है कि जो उनको करना चाहिए। फिर उनको टिकट दिया गया है? एक टिकट तो दे दिया गया, कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता भी हैं छिंदवाड़े में जो उनको कमलनाथ जी आगे नहीं आने देते, है ना, ये कांग्रेस की अलग सोच है कि कम से कम छिंदवाड़ा के मुद्दे उठा पाएंगे? नहीं, संभव नहीं है। क्या लगता है आपको कि
टिकट जो है उनके पिता के नाम पर दी गई। क्या है वो तो क्या है, उनको एक जातिवाद और परंपरा, उनने घर में ही बाप भी लड़ता है मुख्यमंत्री का चुनाव और बेटा भी लड़ता है, घर ही घर में दोनों, ये क्या स्थिति है? क्या छिंदवाड़ा में कोई कांग्रेसी नेता नहीं है? नकुल नाथ जी के रूप में एक युवा चेहरा छिंदवाड़ा को मिला है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री के बाद जाहिर तौर पे है कि मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को पूरा मध्य प्रदेश संभालना है, और जिस तरीके से कमलनाथ जी सांसद के रूप में छिंदवाड़ा को विशेष दर्जा देते थे, अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो छिंदवाड़ा भी विशेष निगाह दे पाए, इसलिए उन्होंने अपने रूप युवा चेहरे के रूप में नकुल नाथ जी को दिया है। अब मैं तो कमलनाथ जी की जवानी को देने को नहीं जानता, पर जो लोग उनके टाइम के हैं वो कहते हैं कि नकुल नाथ जी में कमलनाथ जी जैसा जोश है, और जिस हिसाब से नकुल नाथ जी की योग्यता है, उनकी पढ़ाई है, और जो उनके कंपनी चलाने का अनुभव है, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का विशेष दर्जा दिया था, नकुल नाथ जी उसी दर्जे के रूप में छिंदवाड़ा को विशेष ध्यान देंगे, और छिंदवाड़ा वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, परिवार तंत्र है। जब कमलनाथ जी की टिकट कटी वो हवाला में फंसे तो अलका नाथ आ गई, जब हवाला से छूटे तो उन्होंने इस्तीफा दिलवा के फिर उनको पटवाजी ने चुनाव हराया। अभी वो मुख्यमंत्री, बेटा सांसद बनने की तैयारी, ये जो परिवारवाद है ये कहाँ लेकर जाएगा छिंदवाड़ा? क्या छिंदवाड़ा में 38 साल में कमलनाथ जी ने एक भी ऐसा नेता नहीं पैदा किया जो लोकसभा उनकी जगह लड़े? दीपक सक्सेना जी ने इस्तीफा देकर विधानसभा में उनको मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली की, क्या उनका दावा मौजूद नहीं था? लेकिन ये जनता इस बार समझ रही है, इस बार परिवर्तन है, और अब ये परिवार बात नहीं सहेगी जनता। आज किसी ने बहुत अच्छा चुटिला वो भी किया है कि लोकसभा में उनका नकुल नाथ, विधानसभा में पिताजी कमलनाथ, और नगर महापौर होगा तो अलका नाथ, और जिला पंचायत होगी तो उनकी बहू सिमरन आ जाएगी। क्या ये परिवार की पार्टी है? ये परिवार से लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या कोई यहाँ का नेता नहीं है? और ये, और चल ठीक हम मान भी लें तो क्या 38 साल 40 साल से सांसद है कमलनाथ जी, तो क्या परिवार का लड़का उनका घूमना नहीं था, उनका काम नहीं करना था, अपना कुछ दिखाना नहीं था करके सेवा? ये तो राजनीति एक सेवा का माध्यम है, और इन्होंने तो इसको राजतंत्र बना लिया, पैसे कमाने का जरिया बना लिया, उद्योग बना लिया। कमलनाथ जी ने कोई काम नहीं किया आज तक 38 साल में, लोकसभा में एक क्षेत्र की बात नहीं रखी, और विकास का नारा देते हैं मध्य प्रदेश जीतने का, झूठ बोलकर मध्य प्रदेश को जीत लिया। देखिए झांसा देते हैं, लोगों को समझ में आता नहीं है। कमलनाथ जी को अब लोग समझ पाए हैं जब वो मुख्यमंत्री बने, अभी तक तो वो दूसरे के ऊपर डालते थे, अब मुख्यमंत्री बने तो जनता समझ रही है। झूठ बोल के चुनाव जीतना, कर्जा माफ़ी की 100% जितने वादे किए थे पूरे कर दिए, पर जनता तक तो नहीं पहुँचे हैं। क्या इस बार नकुलनाथ को टक्कर दे पाएगी बीजेपी? इस बार परिवर्तन होगा, नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों चुनाव हारने वाले हैं, ये ग्रामीण जनता ने तय कर लिया है। ₹2,00,000 का कर्जा माफ हुआ और ना भावांतर की राशि मिली, छला महसूस कर रहा किसान और बहुत दुखी है किसान, वो अब इनको सबक सिखाने को तैयार बैठा है। छिंदवाड़ा से हमने लोगों की राय जानी है, लोगों का कहना है कि नकुलनाथ उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नकुलनाथ कमलनाथ के विकास रथ को कितना आगे ले जा पाते हैं। पवन शर्मा, छिंदवाड़ा आज तक। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।